हे गाइस, दिस इज़ अभिषेक और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने शाओमी MI A1 में TWRP रिकवरी को इंस्टॉल कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको TWRP रिकवरी इंस्टॉल करने के लिए ये फाइल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक दिया है। तो ये सारी फाइल्स आपको डाउनलोड कर लेनी है, जिसमें मैजिस्क की रूट वाली जी फाइल है, प्लेटफॉर्म टूल्स है, रिकवरी फाइल है, TWRP रिकवरी और TWRP रिकवरी इंस्टॉलर है। तो सबसे पहले जो स्टेप है कि आपको प्लेटफॉर्म टूल्स को एक्सट्रैक्ट करना है डाउनलोड करने के बाद। तो आप यहां देख सकते हो, मैं विनरार का यूज़ कर रहा हूं। तो इस तरीके से आपको सिंपली एक्सट्रैक्ट करना है इस फोल्डर को, और ये आपका एक फोल्डर क्रिएट कर देगा जो कि आपको एक्सट्रैक्ट करने के बाद अपनी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो एक्सट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको करना है क्लोज इसको, और इस तरीके का कुछ फोल्डर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। तो ये प्लेटफॉर्म टूल्स है, अभी यहाँ पर आपको सारा मेन काम करना है। तो अभी आपको क्या करना है, जो हमारी रिकवरी फाइल है TWRP रिकवरी, उसको सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर। तो आपको जाना है, बेसिकली आपको इसको कॉपी करना है TWRP रिकवरी फाइल को, और पेस्ट करना है प्लेटफॉर्म टूल्स के अंदर। तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। तो आपको सिंपली इस फाइल को करना है कॉपी या कट। तो इसको आपको करना है प्लेटफॉर्म टूल्स के इस वाले फोल्डर में कॉपी, और सारा काम हमें इसी फोल्डर में होने वाला है। तो ये हो जाएगा पेस्ट, उसके बाद सिंपली आपको बैक करना है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो फाइल्स हैं आपको इस तरीके से दिख सकते हो। तो अभी के लिए हमें क्या करना है कि हमको प्लेटफॉर्म टूल्स के वाले फोल्डर में जाना है, और सारा काम हमें उसी फोल्डर में होने वाला है। तो उससे पहले आपको अपने फ़ोन को कनेक्ट करना पड़ेगा फास्टबूट मोड में एक अपने कंप्यूटर से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो अब आपको अपने फ़ोन में कुछ सेटिंग्स करनी है। उसके लिए आपको जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद बेसिकली आपको सिस्टम सेटिंग्स में जाना है, और अपने फ़ोन के जो बिल्ड नंबर है उस पर टैप करना है 5 to 6 टाइम्स, ताकि आप डेवलपर बन जाएं। और डेवलपर बनने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको सिस्टम पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डेवलपर ऑप्शंस का, मेरे पास ऑलरेडी है, बट आपको कैसे करना है, आपको जाना है अबाउट फ़ोन में। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको अबाउट फ़ोन पर क्लिक करना है, और बिल्ड नंबर पर कुछ टाइम क्लिक करना है, उसके बाद आप डेवलपर बन जाएंगे। उसके बाद आपको अपने फ़ोन में यहाँ पर डेवलपर्स ऑप्शन का एक ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर सिंपली OEM अनलॉक को इनेबल करना है। उसके बाद ये आपका स्क्रीन लॉक पासवर्ड पूछेगा, तो वो आपको एंटर करना है और OEM अनलॉकिंग को इनेबल कर देना है। और उसके बाद जो नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको USB डीबगिंग का, तो इसको भी आपको इनेबल कर देना है। तो ये ज़रूरी स्टेप है, ये आपको डेफिनेटली कर देना है अपने फ़ोन में। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने फ़ोन को करना है स्विच ऑफ। तो स्विच ऑफ़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पिन और पासवर्ड वगैरह सब कुछ आपको अपने फ़ोन से हटा देना है, फिंगरप्रिंट वगैरह, तो ये सब आप ध्यान रखना कि अपने फ़ोन से रिमूव कर दो। उसके बाद आपको अपने फ़ोन को करना है स्विच ऑफ। तो मैं यहाँ पर पावर ऑफ़ करने वाला हूँ अपने फ़ोन को, तो पावर ऑफ़ ये मेरा फ़ोन हो जाएगा। उसके बाद आपको आप बेसिकली फास्टबूट मोड में अपने फ़ोन को करना है कनेक्ट। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को प्रेस करना है एक साथ, जिससे कि आपका फ़ोन फास्टबूट मोड में कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको USB केबल अटैच करनी है अपने PC से, तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको फास्टबूट मोड का कुछ इस तरीके से लोगो दिखेगा मी लोगो के बाद, तो बेसिकली आपका फ़ोन बूट कर जाएगा फास्टबूट मोड में। उसके बाद आपको फिर से अपने उसी फोल्डर में आना है वापस प्लेटफॉर्म टूल्स में, और शिफ्ट बटन और राइट क्लिक करना है माउस पे एक साथ। आपको शिफ्ट बटन और राइट क्लिक करना है माउस पे एक साथ, दोनों ही बटन को प्रेस करना है कीबोर्ड में, अपना शिफ्ट बटन और माउस राइट क्लिक करना है, ताकि आपको ओपन कमांड विंडो दिख जाए। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से कमांड विंडो दिख जाएगी, आपको इसमें जो कमांड डालनी है वो है फास्टबूट डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम ये कमांड डालेंगे जिससे कि हमें अपना डिवाइस यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा डिवाइस शो हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ नंबर दिखेगा, इसका मतलब है कि हमारा डिवाइस यहाँ पर शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें कमांड डालनी है फास्टबूट OEM अनलॉक। तो ये कमांड सारी मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो सिंपली आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो फास्टबूट OEM अनलॉक आपको लिखना है और एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपके फ़ोन का बूट लोडर जो है वो हो जाएगा अनलॉक। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक हो जाता है, तो आपको अपने फ़ोन को
बेसिकली पावर ऑन कर लेना है और उसके बाद बूट लोडर का लोगो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा। उसके बाद आपको फिर से अपने फ़ोन को फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करना है यूएसबी केबल से और उसके बाद हमें कमांड डालनी है TWRP रिकवरी की। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली आपको पावर ऑफ करना है अपने फ़ोन को, बेसिकली पावर ऑन करना है, उसके बाद फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करना है फिर से और उसके बाद हम कमांड डालेंगे TWRP रिकवरी फ्लैश करने के लिए। तो उसके बाद आपको सिंपली फिर से कमांड विंडो ओपन करनी है, तो शिफ्ट बटन और राइट क्लिक करना है माउस पे। उसके बाद आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा ओपन कमांड विंडो का, तो आपको कमांड विंडो ओपन करने के बाद कमांड डालनी है फास्ट बूट। ये भी कमांड मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फास्ट बूट बूट और आपको सिंपली बेसिकली रिकवरी का जो मैंने नेम है वो रिकवरी कर दिया है चेंज, तो आपको यहाँ पर जाना है और रीनेम पर क्लिक करना है। इसके रीनेम पर जाके इस रिकवरी का फाइल को कॉपी कर लेना है। आप चेंज नहीं भी करोगे तो अभी चलता है, बस आपको फास्ट बूट बूट लिखना है और पूरा रीनेम कॉपी करके पेस्ट कर देना है और सिंपली .img आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, .img ज़रूर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके फ़ोन में TWRP रिकवरी फ्लैश हो जाएगी। अब TWRP रिकवरी फ्लैश होने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑन होगा, उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब हमारे फ़ोन में TWRP रिकवरी फ्लैश हो जाएगी एक बार, तो हमें क्या करना है अपने फ़ोन में इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी, तो हमें उसके बाद अपने फ़ोन का बेसिकली स्लॉट चेंज करना है। अब वो क्या होता है वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, बट आपको ये करना है। तो आपको सिंपली स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन पे इस तरीके से स्लाइड करना है और उसके बाद आपको नीचे एक रीबूट का ऑप्शन दिखेगा, आपको रीबूट पर एक बार ही क्लिक करना है और सिंपली रीबूट पर आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर करंट स्लॉट अगर बी दिखता है तो आपको ए करना है और ए दिखता है तो बी करना है। तो मेरा करंटली बी था तो मैंने ए पर क्लिक किया और ये आप देख सकते हो करंटली स्लॉट ए है। और अब मैं यहाँ पर अपने फ़ोन को बूट लोडर में बूट कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर स्वाइप नहीं करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है डू नॉट अनइंस्टॉल पर। उसके बाद आपका फ़ोन फिर से बूट लोडर यानी कि फास्ट बूट मोड में हो जाएगा कनेक्ट। तो उसके बाद हमें फिर से एक बारी दूसरे स्लॉट में TWRP रिकवरी को फ्लैश करना है। सेम कमांड आपको डालनी है फास्ट बूट OEM बेसिकली फास्ट बूट बूट रिकवरी .img। तो सेम आपको दोबारा से फ्लैश करनी है ए स्लॉट में। तो इस तरीके से आपके फ़ोन में TWRP रिकवरी इंस्टॉल हो जाएगी। तो TWRP रिकवरी जब फ्लैश हो जाएगी सेकंड स्लॉट में भी, तो आपको क्लिक करना है इंस्टॉल पर और TWRP रिकवरी इंस्टॉलर जिप फाइल को भी आपको फ्लैश करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है यार, इसको बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप इसको भूल जाओगे तो आपके फ़ोन से जो रिकवरी है वो हट जाएगी। तो इसको सबसे लास्ट में आपको फ्लैश कर देना है और आपके फ़ोन में सक्सेसफुली आपके फ़ोन में बूट हो जाएगी TWRP रिकवरी और उसके बाद आपको रिबूट कर देना अपने फ़ोन को सिस्टम में और आपका फ़ोन TWRP रिकवरी में बूट कर जाएगा। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस लेकर आता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।